खबर है मिर्जापुर से। मजदूर सभा ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर बोला हल्ला, प्रदर्शन किया, 17 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को सौंपा। आपको बता दें कि समाजवादी मजदूर सभा के बैनर तले शुक्रवार को 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पदाधिकारी व कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 17 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष मेवालाल प्रजापति ने कहा कि काम के घंटे 8 हो, काम के घंटे 12 को वापस लिया जाए, कारखाना अधिनियम संशोधन वापस किया जाए। उन्होंने कहा न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का गठन, मजदूरों को सहूलियत देने का काम किया जाए। कहा कि रोजगार सृजन के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, ऐसी सरकार को जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी चौधरी ने कहा कि ठोस नियम कानून न होने से मजदूरों को सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजदूरों को रोजगार न मिलने पर वह दूसरे प्रदेश पलायन कर रहे हैं। कहा कि 2027 में मजदूर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने वालों में दामोदर प्रसाद मौर्य, कौशिक कन्नौजिया, मेवालाल प्रजापति, काशीनाथ यादव, रामेश्वर विश्वकर्मा, बाबूलाल प्रजापति, केसरी नंदन शर्मा और भी बहुत कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपू सुल्तान। मेरा नाम मेवालाल प्रजापति, समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के निर्देश पर, धनीलाल श्रमिक के निर्देश पर, हम कहने पर और राज्यपाल को ज्ञापन मजदूर सभा की तरफ से डीएम महोदय को दिया गया और उसमें 17 हम लोगों का डिमांड है जो मजदूरों के हित के लिए है। उन्होंने कुछ काला कानून बनाए हैं, 12 घंटे काम करने का आर्डर निकाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उसको 8 घंटे करने के लिए है। मजदूरों को जो प्राइवेट फर्में हैं वहाँ जो ठेके पर या लेबर काम करते हैं उनको पानी और लैट्रिन बाथरूम और किसी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो 4 श्रमिक वो है समझा, उसको भी इन्होंने ख़त्म किया है। और हम आज के दिन 9 अगस्त का क्रांति दिवस अगस्त में मनाया जाता है। 1942 में एक क्रांति दिवस जो है कि 8 अगस्त को हुआ था कानून बनाने का और 9 को लागू हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज तक मजदूरों के बारे में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, जो भी काम हो रहा है तमाम समान काम का समान वेतन की हम लोगों का डिमांड है। भाई जो हम आपके साथ काम कर रहे हैं, जो मजदूरी आपको हो वही मजदूरी हमारी हो। और हमारा जो है कि 26,000 का जो संशोधन बिल आया है उसको 26,000 रुपये दिया जाए संशोधन कर। हमारा जो कार्ड बनता है पोर्टर कार्ड वो 6 महीने से बंद है, 10 साल तक अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है वेतन का कि हम मजदूरों को क्या वेतन हो, क्या नहीं, क्या सुविधा हो, औद्योगिक का हो, मजदूरों का हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य का हो। मजदूर ऐसे मर जा रहे हैं, उनका कोई न बीमा है न कुछ है। तो इस सब को 17 मांगों को डिमांड लेके हम लोग डीएम के यहाँ गए थे। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। अमेरिका ने आज के दिन ही जो आदिवासी थे उनकी दयनीय स्थिति देखते हुए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दयनीय स्थिति देखते हुए आज के दिन अमेरिका ने आदिवासियों के लिए एक लड़ाई लड़ने का कदम उठाया। तो पूरे विश्व में आज आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है और